सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं लारेगम ATLS टैबलेट्स के बारे में। लारेगम ATLS टैबलेट्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, यूज़ करने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन अलग है और एक इस प्रकार काम करता है और इसका डोज और ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। तो लारेगम ATLS टैबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या फिर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं लारेगम ATLS टैबलेट, जो कि हमारे पास 10 गोली का स्ट्रिप्स है, जिसकी MRP की बात करते हैं, इसकी MRP 92 यानी कि 1200 रुपये के करीब इसकी MRP है। लारेगम ATLS टैबलेट्स को लाल हेरन कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक्स मेडिसिन भी बनाती है। लारेगम ATLS टैबलेट्स के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन से गाबापेंटिन 100 mg, एमीट्रिप्टिलिन 10 mg इसके अंदर डाले गए, यानी कि इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स डाले गए जिसका नाम है गाबापेंटिन और एमीट्रिप्टिलिन टैबलेट्स। लारेगम ATLS टैबलेट्स का यूज़ के बारे में बात की तो इसका इस्तेमाल न्यूरोपैथिक पेन के इलाज में किया जाता है। न्यूरोपैथिक पेन्स में आपको हो सकता है आपको डैमेज ड्यू टू डायबिटीज सिग्नल्स यानी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वगैरह होती है तो उसको ठीक करने के लिए लारेगम ATLS टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लारेगम ATLS टैबलेट्स का डोज और ड्यूरेशन की बात करें तो इसका डोज और ड्यूरेशन अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पे इस्तेमाल करें यानी कि अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल नहीं करें, कंटिन्यू बेस पे इसका सेवन करें तो कुछ साइड इफेक्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। साइड इफेक्ट में आपको आपको कब्ज हो सकती है, आपका पेशाब करने में कठिनाई हो सकती है, वजन बढ़ना हो सकता है, नींद आना हो सकता है, चक्कर आना हो सकता है, आपको धुंधली नज़र दिखाना हो सकता है, मुंह में सूखापन हो सकता है, आपकी हार्ट की गति का बढ़ना हो सकता है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो लारेगम ATLS टैबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। लारेगम ATLS टैबलेट्स किस प्रकार काम करता है, लारेगम ATLS के अंदर 2 दवाई रहती है यानी कि गाबापेंटिन और एमीट्रिप्टिलिन। गाबापेंटिन एक α2 डेल्टा लिंगेंट्स है जो तंत्रिका कोशिका की कैल्शियम चैनल की गतिविधि को मॉड्यूलेट करके दर्द को कम करता है। एमीट्रिप्टिलिन एक ट्राइसाइक्लेटिक्स एंटी डिप्रेसेंस है जो केमिकल मैसेज है जैसे कि सेरोटोनिन और नॉर एड्रेनालिन के स्तर को बढ़ाता है। ये केमिकल ब्रेन में दर्द संकेतों को मूवमेंट को रोकता है। एक साथ देने पर यह न्यूरोपैथिक दर्द यानी कि क्षतिग्रस्त तंत्रिकाओं के कारण होने वाले दर्द से राहत देता है। लारेगम ATLS टैबलेट्स आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा। लारेगम ATLS टैबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर या फिर अपने न्यूरोपैथिक डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से लारेगम ATLS टैबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें तो लारेगम ATLS टैबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट तुम्हारी कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आईडी दी है वहाँ पर बताएं। लारेगम ATLS टैबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए था। कोई भी टैबलेट्स का इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।